दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये रेसिपी मैं सुबह बना रही हूँ, कब अपलोड होगी पता नहीं है। दोपहर चल चल। अब मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को, चूल्हा हमारा लग चुका है, यहाँ पे कढ़ाई को मैं रख दिया हूँ। चलो इसको थोड़ा अंदर से ऐसे क्लीन कर लेते हैं और ऑयल डाल देते हैं इसमें, क्योंकि कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। कितना अच्छे से गर्म हो गया है। और आज हम एक भिंडी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चलिए इसमें हम डाल देते हैं जीरा 2 चम्मच। एक नए स्टाइल में बना रहे हैं, नए तरीके से। यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का एक कूटे हुए दरदरा मैं ले लूँ, डाल देते हैं। इसमें मैं छोटे छोटे 3 प्याज को ऐसे काट के लिए हैं छोटे छोटे हिस्सों में, इसको भी डाल देते हैं। हम भिंडी 2 प्याजा बना रहे हैं, पर मैं अपने मेरे तरीके से बना रही हूँ। मैं इसको प्याज की साइज को छोटा हिस्सों में, मतलब छोटे छोटे बारीक काट के लिए हूँ। आपको जैसे पसंद है वैसे काट के ले सकते हैं। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। नमक 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा लेंगे। और 1/2 चम्मच इसको भी मिला लेते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जाए। और रेसिपी को बनाएं, टेस्ट घर में खाइए और कमेंट करिए कैसा बना था। इसमें आपको आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक ही है प्याज को अपने हिसाब से। तो हम इसे जुड़े रहे दोस्तों। यहाँ पे टमाटर, यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए इसमें हम टमाटर डालते हैं। टमाटर को मैं दरदरा पीस के काट के ली हूँ। 3 बड़े टमाटर, मतलब मीडियम साइज के, बहुत ज़्यादा बच गए हैं। चलिए इसके साथ इसमें कुछ मसाले हम डाल देते हैं। यहाँ पे ये जीरा पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच कम कर देते हैं। और ये हमारा हल्दी पाउडर 1 चम्मच मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों के लिए इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं अंदाज से। दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया, जितना भी था इसमें डाल देते हैं। दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी गरम मसाला मिलाऊंगी टेस्ट के लिए, बस 1/2 टीस्पून से भी कम रहेगा। चलिए दोस्तों इसमें हम भिंडी डाल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं छोटे साइज की भिंडी ली हूँ, 1/2 केजी करीब। छोड़ देते हैं, फिर ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं धीमी आंच में। ज़्यादा हम इसको मतलब फ्लेम नहीं रखेंगे गैस में, अगर बना रहे हो तो धीमी आंच में। देखिए ऐसे थोड़ा सा जलना चाहिए। और दोस्तों ये चूल्हा हमारा कुछ इस तरफ है, इस साइड में यहाँ पे कुछ पक रहा है और यहाँ पे मैं ये सब्जी बना रही हूँ। तो चैनल को
जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से दिखे ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। और दोस्तों और एक चीज़ दिखाती हूँ, तो धूप देखिए कितना तेज धूप है और बाहर बना रही हूँ तो कितना मतलब मेहनत करना पड़ता है। अब तो इसको मतलब लाइक नहीं करते हो, मोटिवेट नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और हमेशा जुड़े रहे तब तक के लिए, जब तक सभी हमारे पकड़े। दोस्तों चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारी भिंडी को, सबसे पहले इसको रख देते हैं। दोस्तों देखिए भिंडी हमारे कुछ इस तरह का है। दोस्तों कभी आप लकड़ी वाले चूल्हे से बना के खाइए, आपको इसका टेस्ट और दो चार गुना मिल जाएगा, क्योंकि लकड़ी ये चूल्हे पता नहीं क्यों पर इसमें बना के खाने का मज़ा ही कुछ होता है। थोड़ा मेहनत लगता है आपके पास बैठ के करने में, पर चल बनता है इतना टेस्टी खाना खाने के लिए तो कुछ भी। तो चलिए इसको ऐसे ही और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लकड़ी को बाहर निकाल ली हूँ और ये जो आगे ना जो कोयला है उसमें ही इसको पका के तो फिर से ढक्कन लगा देते हैं और इसको फिर से हम धीमी आंच में पकने के लिए देते हैं, जब तक इसके चारों तरफ एक क्रस्ट ना आ जाए जो क्रिस्प ब्राउन कलर का। तो चलिए हम अब चेक कर लेते हैं हमारा भिंडी हो गया हमारा। चलिए हम इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला ऊपर से डाल देते हैं, बस चुपके इसको मिला लेते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी बनाना हो या और थोड़ी देर इसको पकाना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो चूल्हे पे। दोस्तों यहाँ पे हमारा बन चुका है ये भिंडी दुख दिया गया, पर मैं इसको और थोड़ी देर इतने धीमी आँच में इसे ही छोड़ दूँगी और थोड़ा सा इसको मेरे को पकाना है। मतलब इसका ये भिंडी के आसपास होता है ये उसको हम क्रिस्पी बनाएंगे और इसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे तो ये और भी अच्छा चटपटा या आमचूर पाउडर मिला दें तो और चटपटा थोड़ा बन जाएगा। और ये क्रिस्पी हल्के हाथों से मिलाएंगे तो भिंडी हमारा टूट के निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भिंडी की सब्जी रेसिपी बन चुकी है। तो चलिए इसको वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। दोस्तों चलिए इसको उतार लेते हैं, यहाँ पे हमारा भिंडी बन चुका है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं है, पर प्लेट ही बोलते हैं उसे। तो इसको हम प्लेट में निकालते हैं ध्यान से, नहीं तो नीचे गिरेगा। उसमें इसको निकालने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेट से निकल ली हूँ और ये कुछ इस तरह का है। इसको आप रोटी फिर पराठे के साथ खा सकते हो, चावल के साथ और भी अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। कमेंट करें किस चीज़ पे मेरे को काम करना है या कौन सी रेसिपी बनाना है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।